कल मैं ड्राइवर में जा रहा था तो उसके ड्राइवर से मुझे पता चला कि उसके बच्चे की स्कूल फी 12,000 है। मतलब फिफ्थ ग्रेड की स्कूल फी 12,000? 12,000 भी कोई फी होती है यार? इतनी ज्यादा तो है। अबे गरीब आदमी, ये तुझे ज्यादा लग रही है। चल हट, मैं बताऊंगा कि महंगे स्कूल कहते किसे हैं। जनाब कराची का सबसे महंगा स्कूल है। नहीं नहीं नहीं, वो मैं आखिर में बताऊंगा, वरना सस्पेंस कैसे बनेगा। नाजरीन, आपके बच्चे अगर फिफ्थ ग्रेड तक हैं तो वॉलेट संभाल लीजिए, क्रेडिट कार्ड निकाल लीजिए, और अगर आप मेरे जैसे गरीब हैं तो ये वीडियो आगे नहीं देखिएगा, आपका घर भी बिक सकता है। कराची के टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल्स आर, नंबर 5 पे है CS, यानी सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, जहां एक बच्चे का एक महीना माँ बाप को 40,000 का पड़ता है। नंबर 4 पोजीशन टाई है बेबी और कराची ग्रामर के दरमियान, जहां की महाना फीस है 42,000 रुपए। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है लिंक्स स्कूल, जहां पर आपके बच्चे का मुस्तकबिल बर्बाद, मेरा मतलब आबाद करने के, महाना 48,000 रुपए लेते हैं। पाकिस्तानियों को इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर हो सकती है, लेकिन फॉर इम्पोर्टेड एजुकेशन इट्स एब्सोल्युटली यस। इसीलिए तो टॉप 2 मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल्स का ताल्लुक ब्रिटिश और US गवर्नमेंट से है। नंबर 2 पे है ब्रिटिश ओवरसीज स्कूल, जो अपने बच्चों को सिर्फ 380 पाउंड चार्ज करता है, जो पाकिस्तानी 1,03,000 रुपए बनते हैं। और नंबर 1 पे है अंकल सैम का कराची अमेरिकन स्कूल, जहां पर फी रुपीज में नहीं डॉलर्स में ली जाती है, और आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये बनते हैं तकरीबन 3,00,000 रुपए। इससे कम में तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स कर लिया था। गरीब फिर से आ गया यार।